दोस्ती हो जाया करती थी। बचपन में भी लड़ते थे, बचपन में भी झगड़ा होते थे, बचपन में भी हमारे जीवन में विवाद हुआ करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, लड़ने झगड़ने के बाद दुश्मनी हमारे बीच में नहीं हुआ करती थी। ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा खतरनाक नहीं होता, बैर भाव जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया करता है। बैर भाव से बचने का प्रयास करिए। बच्चों की तरह लड़ लो, बच्चों की तरह झगड़ लो, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। काश आदमी आज भी बच्चा होता, कितना अच्छा होता। काश आदमी आज भी बच्चा होता। ध्यान रखिए, बचपन में लड़ते हो फिर बोल लेते हो, एक तरफ तो मारपीट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद गले में हाथ डाल करके घुमा करते हो। लेकिन बड़े होकर आदमी को नहीं जाने क्या हो जाता है, एक बार झगड़ लेता है और जिंदगी भर की बोल चाल बंद कर दिया करता है। ये बोल चाल चालू रखिए, मौन मत लीजिए, दुश्मनी को जन्म मत दीजिए, व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी। ध्यान रखना, मान्य भर हंसता खिलखिलाता परिवार होना चाहे। हंसोगे खिलखिलाओगे, क्रोध पैदा नहीं होगा। ध्यान, दो ही चीज हो सकती है जिंदगी में, या तो हंस लो या गुस्सा कर लो। ध्यान रखना, जब गुस्सा करते हो तो हंसी गायब हो जाती है, और जब आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाता है तो क्रोध गायब हो जाया करता है। दोनों एक साथ कभी नहीं रहा करते हैं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोध में गुस्से में किसी का मुंह भी फूला है और हंस भी रहा हो मुस्कुरा रहा हो, दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध की जगह हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आपसे दूर रहेगा। मेरे कमरे में लोग हंसते रहते हैं, आवाज आती रहती है, हंसी मजाक की आती रहती है। बोले महाराज आप संत हैं, आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं गंभीर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव मुझे गंभीर नहीं होने दिया करता है। हंसता हूं, मजाक करता हूं, व्यंग करता हूं आदमी से बातें कर, बच्चा आए तो उससे हंस लेता हूं, बूढ़ा आए तो उससे हंस लेता हूं, महिलाएं आती उनसे हंस लेता हूं। ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को उदास गंभीर और सीरियस संतों की जरूरत नहीं है, अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराते संत की जरूरत हुआ करती है। यदि संत हंसेगा मुस्कुराएगा तो समाज में वह प्रेम का प्रसाद बांट पाएगा। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। हंसी गायब हो गई है, अब घर में दो लोग रहते हैं, हंसे तो कैसे हंसे। मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूं, अब हंसने के लिए आदमी को लाफ्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, तब आदमी के चेहरे पर हंसी आती। नहीं मेरे भाई, क्रोध तनाव में जिंदगी जी रही है हमारी। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क कितना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं, आदमी इधर से सुनेगा इधर निकाल देगा। लेकिन महिलाएं जो हुआ करती इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती है। ये दोनों कानों से इधर से भी सुनेंगी इधर से भी सुनेंगी और मुंह से, कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद। नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहां अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है, मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए, ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है, ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत, कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे चार गाली बका करता है। मैंने कहा यार जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है,
माँ के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में? विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है लेकिन ये गाली बका नहीं करती है, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में? छोटी सी मानसिकता, बस संकीर्ण प्रवृत्ति हमारे यहां झगड़े को जन्म देती। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में। जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का चंद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर सोचें, यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी, तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई, आदमी झगड़ा कर लेता है। थोड़ी सी शंका आ गई, आदमी झगड़ा कर लिया करता है। फिजूल की बातों में झगड़ा है। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, और चातुर्मास में संत निवास के बाजू में एक बहुत बड़ा मकान था। सुबह सुबह हम लोग पाठ कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, झगड़े की आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा सुबह सुबह? मेरे साथ लड़के थे, मैंने कहा जरा देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया है क्या? बोले महाराज, झांक करके देखा तो बोले टीवी नहीं है, तो लाइव चल रहा है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है। मैं गया, मैंने खिड़की से झांका, दो पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकल आए, आंगन में आ गए। एक के हाथ में बेलन है, एक के हाथ में कौन बोला चिमटा है। चले ऐसे तुम लोग तैयार रहते हो बोलने के लिए। दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए, झगड़ा हो रहा। मैंने कहा इधर आओ। अरे बोले महाराज मुझे देखा, झगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अरे बोले महाराज देख रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है, प्रभु के स्मरण करने का टाइम है, और तुम सुबह सुबह पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, कोई तरीका है जिंदगी जीने का? अरे बोले महाराज हो गया झगड़ा, हो गया। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मुझे बताओ, मैं फैसला करूं। बोले महाराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है, तुम इनका लड़का एक हो रहे हो। बोले महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते हैं, झगड़ा हमारा 12 बजे रात से चल रहा है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पति पत्नी दोनों हैं, 12 बजे रात से झगड़ा चल रहा है। मैंने कहा किस बात का झगड़ा चल रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, यार नींद नहीं आ रही थी हम दोनों को, तो बोले क्या करें, बोले टीवी भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले बस लेटा लेटा मेरे मुंह से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने सुना, खबरदार तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों बोलती, जब मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा कोई तुम्हारा अकेला हक नहीं है, मेरा भी हक है, मेरा बेटा इंजीनियर। अब फिजूल की बात, इस पे झगड़ा बढ़ गया। बोले देखता हूं कैसे डॉक्टर बनाएगा, बोले मैं भी देखती हूं कैसे इंजीनियर बनाएगा। झगड़ा बढ़ते जा रहा। बोले बढ़ते हाथापाई पर आ गए हम लोग कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना झगड़ा, बोले सवेरे के 4 बज गए लड़ते। बोले देख तू ज्यादा बातें मत किया कर मेरे से, जब मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। पत्नी ने कहा मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा। रात भर झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि तुझे क्या बनना है। बच्चे से पूछते ही नहीं है, दोनों लड़े जा रहे हैं ये बिना सिर पैर के झगड़े। मैंने कहा बच्चे को बुलाओ, बच्चे को उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। अरे मैंने कहा बच्चे को बुला के लाओ ना। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। दर तेरे की आदमी, बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। दर फिजूल की बातों का झगड़ा है, ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया, बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल मलाई।
मलाई यहीं खाई जाएगी, इतनी लड़ाई इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में पीहर लोणन नीरा की होगी और कहां की हो सकती है। तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, बराई तो बारामती में ही खाई जाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूं तू कौन होती है रोकने वाली, अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल मलाई यही रहेगी। इतना झगड़ा इतना झगड़ा, ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है। बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूं कि मलाई यही खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूं, टेंशन खत्म हो जाएगा, मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा, बोले मलाई लेके आ, बोले तू लेके आ। दोनों ने देखा लाए कौन, अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भैंस लेके आना है, अभी भैंस आई बचा, ये भैंस घर में आई नहीं, मलाई का झगड़ा शुरू हो गया। ये फिजूल के झगड़े हमारे घरों में, बिना सिर पैर की ये बातें हमारे घरों को नरक। इतनी सी महिलाओं का तो पूछो ही मत क्या है, यहाँ की नहीं बंबई वाली महिलाएं जो है, इतना गड़बड़ मामला। अब छोटी छोटी फिजूल की बातों में झगड़ा हो जाता है।